हागर का रोड अमन नगर के करीब मेन रोड पर ड्रेनेज का गंदा बदबूदार पानी जमा होने से हर रोज आवाम को बेहद तकलीफ हो रही है। इस इलाके के लोगों ने मीडिया के जरिए नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा से गुजारिश कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मांग की है। पिछले 6 महीने से इसी तरह हर रोज गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। आसपास 4 से ज्यादा बड़े स्कूल हैं और स्कूल के बच्चों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। कई बार छोटे मासूम बच्चे और बड़े बुजुर्ग इस रास्ते से गुजरते वक्त ड्रेनेज के गंदे पानी में गिर गए हैं। हागरगढ़ रोड के आसपास के तमाम इलाकों के ड्रेनेज की लाइन इस रास्ते पर लाकर छोड़ दी गई है। अगर जल्द इस मसले को सॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज करने का ऐलान हुआ है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। हमारे गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए खनीज फातिमा मैडम को हम ये बात बोलना चाहते हैं कि ये गुलबर्गा और ये स्टेट हाईवे जो ये स्टेट हाईवे नहीं, ये गली का हाईवे हुआ, ये गली का रोड हुआ है। स्टेट हाईवे बोले तो एक प्रॉपर बड़ा सा रोड रहते, पूरा गुलबर्गा का गटर का पानी ये स्टेट हाईवे आके गली का रोड बना है। ये कम से कम 6-7 महीने से यही हालत है। को ना एमएलए आए, ना डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर आए, ना डीसी आए, कोई भी नहीं आंखों देख रहे। इधर पूरा इतना खराब, इधर पूरे मुसलमान लोग इधर रहते हैं ज़्यादा, वो फिर भी स्लम एरिया हो गया है। तो इससे हम गुजारिश है मैडम को आके पूरा ये गटर का पानी वन साइड जाने के लिए इंतजाम करिए और जितना भी रोड खराब है वो पूरा रोड को बंदोबस्त करिए। स्टेट हाईवे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसके मुताबिक रोड बनना चाहिए। पूरा जितना भी स्टेट हाईवे है उतना पूरा कवर करिए, बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना। मैं यही गुजारिश है पूरे गवर्नमेंट से और पूरे ये पीडब्ल्यूडी ऑफिसर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द ये काम करना है। वरना नहीं तो पूरे लोग, पूरे गली के जितने लोग हैं, ये हागरगा एरिया के कितने लोग हैं, पूरे लोग प्रोटेस्ट करके पूरा रोड बंद करने का काम करते हैं। आगे आइंदा 1 महीने में ये काम नहीं हुआ तो ये पानी का जो ड्रेनेज का पानी जा रहा है, ये नाली नहीं बनने की वजह से जा रहा है। मालगती चौरस्ते से नाले तक की रोड जो है यहाँ पे बहुत ख़राब है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान हो रहा, गांव वालों को भी नुकसान हो रहा और गांव वाले गिर रहे हैं। शहर वाले गिरने के बाद थोड़ा जल्दी अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन गांव वाले गिरने के बाद उनको अस्पताल भी नसीब नहीं होता जल्दी। हम मैडम और जो एमपी साहब हैं यहाँ के, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, मैडम जो है कोई भी पार्टी के हो, नुकसान सभी को हो रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं मिस्टर प्रियंकर खड़गे से कि यहाँ पे ये हागरगा रोड को थोड़ा सी स्टेट हाईवे है, इसको थोड़ा सी आके देख लो, आपको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। भाई हागरगा रोड के ऊपर हमारा कारोबार है, पर कारोबार के वजह से यहाँ पे जो नाली आ रही है हागरगा सर्कल से आ रही है, तो पूरा हागरगा गांव का जो पानी है पूरा रोड पे आ रहा है और इस एरिया का आमान नगर कहते हैं इसे, और स्टेट हाईवे है मैडम। तो स्टेट हाईवे के ऊपर किस तरीके से रोड रहना चाहिए, नाली रहनी चाहिए, लोगों को क्या सहूलत रहना चाहिए, ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम है आपको मैसेज देना, बाकी जो है करना है आपको करना है। और कैसा है मैडम, जो लोग हैं काफ़ी परेशान है, आप तक पहुँच नहीं सकते, आप तक पहुँच नहीं सकते, आप तक कुछ बोल नहीं सकते, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जल्दी से जल्दी थोड़ा एक काम करें। और स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, आती जाती है, गाड़ी पलटी हो रही है, करीब 4 स्कूल हैं यही रोड पे, तकरीबन 4 से 5 स्कूल है यहाँ पे, हजारों बच्चे स्कूल, स्मार्ट टेक स्कूल है, इंडियन इस्लामिक स्कूल है, इनामदार स्कूल है, सब बड़े बड़े स्कूल है मैडम। तो आप ध्यान दीजिए कि इस एरिया में कैसा करें, क्या करें, क्योंकि नाली तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट हाईवे किसे कहा जाता हो तो आपको मालूम है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दें, मीडिया के जरिए से मैडम को रिक्वेस्ट है। थैंक यू। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।